साल 2020 में हमें हर पल एक मिस फॉर्चून की तरह लग रहा है, एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर से लेके ग्लोबल पैंडेमिक। अब ये बात तो सही है कि ये साल ह्यूमैनिटी के लिए एक डिफिकल्ट साल साबित हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये सब डिजास्टर स्पेशली नेचुरल वंस अचानक शुरू हुआ है, बल्कि सच बोले तो हमें भी पता है इससे जुड़ा है सालों की ह्यूमन इग्नोरेंस और मिसट्रीटमेंट जो हम सब नेचर के साथ किए जा रहे हैं। नेचुरल डिस्ट्रक्शन, रैपिड क्लाइमेट चेंज में नेचुरल प्रोसेस जितना रिस्पॉन्सिबल है उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हम सब। अब कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाए थे दुनिया के सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजन के ऊपर, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना वीडियो की एंड में। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट अमेजन वाइल्ड फायर जो पिछले कुछ सालों में एक सबसे बड़ा हादसा था, उसमें भी कैसे ह्यूमैनिटी एक बड़ा पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लगातार और लिमिटलेस डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल सफाई हमारी अर्थ की टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज करते आए हैं। अगर आप 10 साल पहले की टेम्परेचर और आज की टेम्परेचर कंपेयर करेंगे तो आपके लिए साफ हो जाएगा, हमारी नॉनसेंस और सेल्फिश कामों की वजह से नेचुरल स्ट्रक्चर एक के बाद एक तबाह होते जा रहे हैं, और शायद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग जो अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इशूज में एक है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग का शुरुआत होता है और कैसे हमारी वर्ल्ड को ये इम्पैक्ट किए जा रहा है। अब टर्मिनोलॉजिकली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वर्ल्ड टेम्परेचर का इंक्रीज होना, लेकिन इसमें जुड़ा है और भी बहुत सारे नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेस। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो जरूर फैमिलियर होंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। अब अक्सर ग्रीन हाउस गैस के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि ये गैस पूरी तरह से बुरा है और इसके लिए ही टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। वेल, ये पार्टली सही है और पार्टली गलत। द फर्स्ट थिंग इज, अगर ग्रीन हाउस गैस ना होता तो हमारी पृथ्वी नहीं होती। इट मीन्स इन द सेंस कि ग्रीन हाउस गैस एक तरह से हमारे जो हैबिटेबल एनवायरनमेंट है, यानी ऐसे सिचुएशन जिसमें लाइफ का जन्म हो सकता है और लिविंग बींग्स अपने आप को सस्टेन कर सकता है, उसको बरकरार रखने में मदद करता है ये ग्रीन हाउस गैस। अगर ग्रीन हाउस गैस ना होता तो अर्थ की टेम्परेचर करीब -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो शायद आप समझ ही सकते हैं इट्स इम्पॉसिबल फॉर नेचुरल लाइफ टू ग्रो देयर। एक तरह से देखा जाए तो हमारे पृथ्वी का हाल होता मार्स की तरह, लाइफलेस और ड्राई। अब ग्रीन हाउस गैस जनरली बोला जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। एक प्रकार देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस हेल्प करता है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट को स्टोर करके वर्ल्ड को इनफ वार्म करने में ताकि लाइफ सर्वाइव कर सके। तो क्यों हम इस गैस को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? बिकॉज हम रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की एज में अपनी हर दिन के कामों के साथ ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कंटिन्यूअस फैक्ट्री वर्क से लेके डिफॉरेस्टेशन, ये सभी किसी न किसी तरह इस गैस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं, ये गैस अगर हमें वार्म और हेल्दी रखता है तो कैसे इसकी अमाउंट इंक्रीज होना हमें हार्म कर सकता है? तो हमें पहले समझना होगा कि कैसे सनलाइट पृथ्वी पर आता है और कैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे अर्थ की एटमॉस्फेयर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ओजोन लेयर। जनरली सूरज की रोशनी जब एटमॉस्फेयर के थ्रू जाती है तो इसकी अल्ट्रावायलेट रे, जो कि हम सबको पता है वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल रेस ऑफ सन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके दोनों एटम को अलग कर देता है। उसके बाद ये दो एटम रिएक्ट करते हैं दूसरा कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और तैयार करते हैं O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर O3 से ही भरा है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी को बचाने में। अब जैसे हमने कुछ ही देर पहले बात की किस तरह हमारे लगातार अनजस्टिफाइड कामों के वजह से ग्रीन हाउस गैस लाइक CFC इंक्रीज होता जा रहा है। अब CFC बना है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से, जिसमें क्लोरीन सनरेज द्वारा अलग होकर रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, एंड इसी रिएक्शन का रिजल्ट होता है ओजोन का टूट जाना एंड पूरा ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन, जिसको साइंटिफिक टर्म में हम ओजोन डेप्लीशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे ओजोन लेयर वीक होता जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट एटमोस्फियरिक लेयर्स को पार करके पृथ्वी में एंटर करता जाएगा, जिसके लिए स्किन कैंसर से लेकर अननेचुरल म्यूटेशन जैसे हॉरिबल इवेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन उससे भी हार्मफुल चीज होता है जब सनरेस रिफ्लेक्ट करके नेचुरल वेस में वापस नहीं जा पाते। अब नेचुरली सूरज की रोशनी अर्थ से टकरा के बहुत हद तक वापस बैक करता है, यानी स्पेस में लौट जाता है। लेकिन आज के दिन में एवरेज अमाउंट से करीब 4 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मौजूद होने की वजह से एक्सेस सनलाइट पृथ्वी पर ही कैद हो जा रहा है, और जिसका रिजल्ट हो रहा है रैपिड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से आज तक का टेम्परेचर ग्राफ चेक करें तो हम आसानी से ये समझ पाएंगे कि किस तरह टेम्परेचर सेम रेट पर बढ़ता चला गया है। एक हिसाब से पता चला है कि 1906 से लेकर 2005 तक टेम्परेचर 0.06 डिग्री से लेकर 0.9 डिग्री तक बढ़ा है। साइंटिस्ट से लेकर जियोलॉजिस्ट हर कोई आज इस डिजास्टर को समझने में और उसको सॉल्व करने में लगे है। ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है कि एक समय ऐसा भी था जब साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग को एक अनरियल हाइपोथेसिस मानते थे, लेकिन आज हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल एंड वेरी सीरियस। पोलर रीजन में आइस मेल्ट डाउन से लेकर ग्लोबल वाटर राइज और रैपिड क्लाइमेट चेंज हर समय इस टॉपिक को ही इशारा करता है। हमारी खुद की कंट्री में 2020 में हुई हादसा अम्फान साइक्लोन, जो ओडिशा वेस्ट बंगाल एरिया में होने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर है,
उसमें भी जियोलॉजिस्ट ग्लोबल वार्मिंग को ही रिस्पॉन्सिबल किए है। यहाँ तक सुंदरबन जो दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है उसको भी साइंटिस्ट ने मार्क किया है एज अ पोटेंशियल स्पॉट, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती हुई वाटर राइज के वजह से जल्द ही पानी में समा जाएगा। अलास्का जैसे आइस पैक कंट्री तो ऑलरेडी इसकी कहर देख चुके हैं। अगर आप में से कोई इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड है या इसको और डिटेल और प्रिसाइज वे में समझना चाहते हैं, तो चेजिंग आइस नाम की अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री को आप चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। इवेंचुअली द थिंग इज कि हम एज ह्यूमन बींग आज भी कॉन्शियस नहीं है, आज भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नेचर को हार्म किए जा रहे हैं। और द फनी थिंग इज हम में से ज्यादातर ही इस चीज को इग्नोर करते हैं। ना हम लोगों को बचपन से समझाया जाता है इसके असलियत, न हम खुद से जानने की कोशिश करते हैं। असल में जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी प्लेनेट को सुरक्षित रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, तब तक हम इग्नोरेंस में ही जिएंगे। और जब कोई डिजास्टरस इवेंट होगा तब हम नहीं समझ पाएंगे कि किसको ब्लेम देना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड। ऑल्सो कमेंट अस अबाउट योर ओपिनियन। अब से फिर मुलाकात होगी कोई नए वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।